अभी दोस्तों दोपहर के 3 बज रहे हैं। मैंने अपने चूहों को दिया है खाना खाने के लिए। दोपहर खाना मैंने खाने के लिए दिया है। इससे पहले मैंने वो सारी चीजें दी है जो कि गर्मियों के मौसम में देनी चाहिए, चाहे वो खीरा हो गया, खरबूजा हो गया या फिर कोई और चीज जिसको गर्मियों में देना काफी अच्छा होता है। तो अभी दोपहर में मैंने इसको दाल चावल दिया है खाने के लिए। सभी चूहे आप देखते हैं बहुत प्यार से खा रहे हैं, क्योंकि इस चीज को ये लोग बहुत प्यार से खाते हैं। साथ ही साथ आज मैंने इनके लिए एक नया घर लिया है जो कि काफी बड़ा घर है। काफी बड़ा घर है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से ये जब उसके अंदर रहेंगे तो इनको लगेगा जैसे कि मेरे लिए एक महल आ गया है। काफी ज्यादा उसमें स्पेस है, ये अपना टहल घूम सकते हैं आराम से। और जो घर की मजबूती है वो काफी ज्यादा उम्दा है, काफी ज्यादा वजन है, हल्के में नहीं उठा सकते उसको आप, उठाने के लिए भी ताकत लगानी पड़ती है। जो उसकी क्वालिटी है वो मेरे हिसाब से कम 5 से 10 साल तो जरूर चलना चाहिए। चूहों को पिंजरे में रखने पे पिंजरा बहुत जल्दी खराब होता है। अगर आप पक्षी या कोई और बर्ड पाल रहे हैं तो उनको रखने में पिंजरा जल्दी खराब नहीं होता है। तो अगर मैं इनको उसके अंदर रखूं भी तो भी मुझे लगता है कम से कम 4-5 साल तो बहुत आराम से चल जाएगा। और काफी ह्यूज है, उसमें मुझे एक प्रॉब्लम नजर आ रही है जो कि आने वाली वीडियो में बताऊंगा आपको। एक क्या उसमें दो प्रॉब्लम है, दोनों प्रॉब्लम मैं बताऊंगा आने वाली वीडियो में, ताकि अगर आप भी सफेद चूहे के लिए घर खरीदना चाहते हैं तो वो आपको खरीदने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी डिजाइनिंग ऐसी है कि अगर बिल्ली आ भी जाएगी तो अभी बिल्ली नहीं खा पाएगी। तो आगे आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा आपको इनके लिए घर जो कि मैंने इनके लिए खरीदा है, आज ही खरीदा है। हालांकि वो घर मैंने सेकंड हैंड लिया है, लेकिन सेकंड हैंड के बावजूद भी वो एकदम फर्स्ट हैंड जैसा ही है। उसके अलावा मेरे पास 3 घर ऑलरेडी है इनके लिए, वो भी मैं कभी आगे आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा आपको। और जब भी आप खरीदेंगे तो क्या क्या चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो बाकी व्हाइट रेड से रिलेटेड कोई सवाल आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई करने की मैं कोशिश जरूर करूंगा।